नमस्कार, मैं सारांश आज आपको हाल ही में रिलीज हुई लेटेस्ट मूवी के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ, जो है शिव शास्त्री बेलबोआ। इस फिल्म में आपको देखेंगे अनुपम खेर, जो इस फिल्म के मेन लीड कैरेक्टर है, और नीना गुप्ता, जो फीमेल लीड कैरेक्टर है। फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है। फिल्म में शिव शास्त्री बेलबोआ रॉकी बेलबोआ के बहुत बड़े फैन रहते हैं और उनका खुद का एक बॉक्सिंग क्लब रहता है। फिर बाद में वो अपना बॉक्सिंग क्लब बेच देते हैं और अमेरिका में अपने बेटे के पास चले जाते हैं, और फिर वहाँ उनकी दोस्ती नीना गुप्ता से होती है। नीना गुप्ता एक ऐसा कैरेक्टर है जिनका सपना रहता है इंडिया वापस जाने का, और साथ ही शिव शास्त्री जी का भी एक सपना होता है। अब इन दोनों के सपने पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, वो तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, और यही फिल्म की कहानी है। फिल्म में शिव शास्त्री रॉकी के किरदार से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। फिल्म में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब इंडिया टीवी के चेयरमैन व एडिटर इन चीफ रजत शर्मा सिनेमा स्क्रीन पर नजर आते हैं। वह फिल्म में शिव शास्त्री बेलबोआ का इंटरव्यू करते दिख रहे हैं, जो बताते हैं कि कैसे शिव शास्त्री बेलबोआ जैसे बॉक्सिंग कोच ने देश को बड़े बड़े बॉक्सर दिए हैं। फिल्म शिव शास्त्री बेलबोआ एक ऐसी कहानी है जो जिंदगी को एक बार फिर से टटोलती है, यानी रिडिस्कवर करती है। तब जब जिंदगी में सब कुछ खो जाता है और फिर वहीं से एक नए सफर की शुरुआत होती है। अंत में कहा जाए तो फिल्म सभी लोगों के दिलों को छू जाएगी, क्योंकि जब समाज उम्र बढ़ने पर खुद को समेट लेने की सलाह देता है, वहीं शिव शास्त्री बताते हैं कि रिटायर होने का मतलब नौकरी से रिटायर होना है, ना कि जिंदगी से। इसलिए जिंदगी में कोई भी कदम उठाते समय उम्र को नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए। और ये फिल्म एक बहुत ही स्वीट और डिसेंट स्टोरी है।